अच्छा ये देखिए, ये जम्मू बॉर्डर की तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच जो है वो मिठाई जो है वो एक्सचेंज की गई है। आज के दिन भारत जब अपना गणतंत्र दिवस मनाता है तो उसकी मिठाई जो है वो पड़ोसी देश के रेंजर्स के साथ भी बांटी जाती है। और अगर बात की जाए तो अब ये पाकिस्तान की तरफ से जो है एक मिठाई के तौर पर तोहफा जो है वो भारत को भेजा गया है, ये संदेश देने पाकिस्तान के सैनिकों की तरफ से जो है ये मिठाई भेजी गई है। और सीमा पर इस तरीके के एक दूसरे के विशेष दिनों पर एक दूसरे के देशों के इस तरीके से ग्रीटिंग एक्सचेंज होना या मिठाई एक दूसरे को भेजना, ये एक शिष्टाचार, सामान्य शिष्टाचार जो है वो समझा जाता है। और परेड की तैयारियां जो है वो भी अब मुकम्मल हो चुकी हैं। थोड़ी देर में आपको प्रधानमंत्री की तस्वीर हम दिखाएंगे जब वो नेशनल वॉर मेमोरियल, राष्ट्रीय समर स्मारक जाएंगे सबसे पहले। और ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं, हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उसी के साथ आप आज का जो ये पूरा प्रोटोकॉल से बंधा हुआ पूरा दिन होता है परेड का, उसकी शुरुआत होते हुए आप देखेंगे। आपने शुरू में बात करी थी क्या परिवर्तन है जी। 74वें गणतंत्र दिवस की विशेषता ये है कि आत्मनिर्भर भारत की झलक हमको राजपथ पर देखने को मिलेगी। एक समय था जब ब्रिटिश तोप थी उससे 21 तोपों की सलामी दी जाती है, जो झंडा फहरता है जब दी जाती है, लेकिन आज कर्तव्य पथ पर 105 mm की जो तोप है जिससे 21 तोपों की सलामी दी जाएगी वो भारत में निर्मित है। तो चाहे वो हेलीकॉप्टर्स हों, विमान हों, युद्धपोत हों, पनडुब्बियाँ हों, अस्त्र शस्त्र हों, सब भारत में निर्मित हैं। और डिफेंस एक्सपो में जिस तरह से प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ अब हमारा जो निर्यात भी बढ़ता जा रहा है, तो ये दिखाता है कि 74 वर्षों के गणतंत्र में भारत ने, और अमृत महोत्सव के दौरान जो हमने अपना एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। देखिए, सारी दुनिया ने हमारी वैक्सीन को अपनाया और आज तक उस पर कोई उंगली नहीं उठी है, जबकि विदेशी कंपनियों की जो वैक्सीन है उस पर उंगलियां उठनी शुरू हो गई थी। लेकिन भारत ने वसुधैव कुटुंबकम का जो लक्ष्य अपने सामने रखा है कि सारा पूरा विश्व मेरा परिवार है, वो जो बात है कि भारत पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है। ये देखिए, हम जो बात कर रहे थे, पट्टिकाएं लगी हुई हैं, वो इस समय दर्शक स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसकी बहुत आवश्यकता भी थी सर, ये जो पट्टिका हम देख रहे हैं, जिसके घर से कोई शहीद हुआ वो तो याद करता ही है, लेकिन हमारे जैसे वो लोग जो जाकर उन्हें सलाम करना चाहते हैं, और केवल आज गणतंत्र दिवस या स्वतंत्र इंडिपेंडेंस डे के दिन नहीं, जो सलाम करना चाहते हैं, उन्हें याद करना चाहते हैं, उनके लिए ये पट्टिका बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही, बहुत जरूरी बात आपने अभी कही है। और तभी हमने इस बार हमारा जो आर्मी डे है वो हम साउथ इंडिया में लेके गए हैं। बेंगलोर में पहली बार आर्मी डे हुआ और अगले साल आर्मी डे ईस्टर्न कमांड में गुवाहाटी में होगा। और ये इसका मकसद है कि देश का हर नागरिक को पता होना चाहिए कि उसका देश कितना शक्तिशाली है, क्योंकि आज के दिन हमारे पूरी टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन हो रहा है। आपने इसको देखा होगा, नाग, आकाश और अग्नि, और इसके साथ साथ के 9 वज्रा जो हमारी सेल्फ प्रोपेल्ड होवाइट्स गन है, और उसके साथ जो हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं, हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ध्रुव की बात करते हैं हम, रुद्रा की बात करते हैं, तो इस प्रचंड की बात करते हैं, तो इस तरीके का जो अधिकरण है ये पूरे देश को दिखाना जरूरी है, और देश ही नहीं पूरे वर्ल्ड को दिखाना जरूरी है कि हमारा देश की जो फौज है और उसकी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, क्योंकि आप देखेंगे कि झांकियां भी दिखाई जाएंगी यहाँ पे, तो उस हिसाब से एक मैसेज पूरे वर्ल्ड को दिया जा रहा है। और इस बार एक खास बात यह भी है कि इजिप्ट का एक कंटिंजेंट वो भी मार्च करेगा इस परेड में, और
और ये एक आउटरीच है हमारी जो डिप्लोमेटिक ताकत है ये उसको दर्शाता है कि आज हम अपना मिडल ईस्ट के ऊपर भी और इस्लामिक कंट्रीज के ऊपर भी हमारा जो इन्फ्लुएंस है और इस पर जनरल साहब इस पर काफी डिटेल में हम लोगों को आगे बात करनी चाहिए और कि आखिर उस अतिथि का चयन भी हम लोग किस आधार पर करते हैं जो हम निमंत्रण भेजते हैं उसके पीछे भी एक बहुत गहरी सोच होती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।